हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय और मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ढोकला बनाऊं। 2-3 दिन से सोच रही हूँ, लेकिन आज मन कर रहा है कि चलो बनाते हैं, क्योंकि इस घर में मैं फर्स्ट टाइम ढोकला बनाऊंगी। सो वही बनाने अभी आई हूँ। तो चलिए आप सभी के साथ बनाते हैं, और बनाऊंगी मैं शाम की चाय। और चलिए बनाते हैं। आज मेरे भाई मेरे घर पर ही हैं, क्योंकि वो ऑफिस नहीं गए, उनके आँख में दाना निकला है, उस चक्कर में वो ऑफिस नहीं गए हैं। और हस्बैंड जी अभी आए नहीं हैं, वो ऑफिस में हैं। विहान ट्यूशन चला गया था, आज तो वो इजीली चला गया था, आज सो गया था, स्कूल से आकर सो गया था। सोकर उठाया मैंने जबरदस्ती उसको, जबरदस्ती नहीं, मतलब 2-3 बार बोला था तो वो उठ गया था। तो उसको दूध पिलाकर बिस्किट खिलाकर मैंने भेज दिया था स्कूल, वो ट्यूशन। सो अब ट्यूशन से जब आएगा तब मैं चाहती हूँ ढोकला मेरा रेडी हो, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। उसको अच्छा लगता था ढोकला जब बापी में मेरे हस्बैंड लेकर आते थे, या मैं घर पे बनाती थी तो कभी कभी खाता था, कभी कभी नहीं भी खाता था, मूड होता है उसका। आज देखती हूँ मैं बनाती हूँ तो खाएगा कि नहीं खाएगा। अच्छा लगता है अगर मैं अगर कुछ चीज़ बनाऊँ और बेहान नहीं खाता है तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, या मैं बनाऊँ तो मेरे हस्बैंड या कोई भी किसी को भी नहीं अच्छा लगे, या नमक वगैरह तेज हो जाए, तो कितना अजीब खराब लगता है ना। आजकल अगर आप लोग को नहीं पता है, तो आजकल मैं कर रही हूँ डेली ब्लॉगिंग, कोशिश कर रही हूँ। गैप हो जाए तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अदरवाइज लाइट चली गई। अदरवाइज तो मैं डेली ब्लॉगिंग करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे ब्लॉग्स को देखिए। और आजकल मैं नया सेगमेंट भी कर रही हूँ अपने वीडियोस में, कमेंट्स रीड करती हूँ। और एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने कुछ रेसिपीज़ और कुछ DIYs बनाए थे, तो उसकी पिक्चर्स उन्होंने मेरी सब्सक्राइबर बनी पहले वो, फिर मेरी वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई। उनका नाम है सृष्टि आनंद, अगर आपने भी देखा होगा कमेंट सेक्शन में, उनका कमेंट होता ही होता है। रिसेंटली कुछ टाइम से उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो बिजी चल रही हैं आजकल। और बाय द वे, मैंने ये नाइटी न्यू ली थी 2-3 दिन पहले। कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। आपको वो अगर ध्यान हो तो ग्रीन वाली नाइटी आपको बहुत पसंद आई थी, मैंने ये डार्क कलर की ही ली है, और एक दो और ली हैं, वो भी मैं किसी ब्लॉग में पहनूंगी तब दिखाऊंगी आपको। ये कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ, इस तरह से है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, उसमें मैंने लिया है अभी आधा किलो ये बेसन, अभी नया पैकेट खोला है मैंने, और इसमें मैंने डाला है खाना सोडा चुटकी भर, और 1 चम्मच सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और मैं इसका थिक पेस्ट बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एंड यस इसमें मैं सूजी भी डालूंगी 2 चम्मच। सो फ्रेंड्स देखिए, 1 चम्मच मैं ये सूजी डाल दूंगी इसमें।
और थोड़ी देर इसको हम भी ऐसा ही छोड़ देंगे, सेट हो जाने देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, और ये है उसका थाली जिसमें मैं ढोकला बनाऊंगी। तो इसको मैं ब्रश से ग्रीस कर लूंगी अच्छे से। देखें सो फ्रेंड्स, अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच इनो, देखें, इस प्लेट में इसको ट्रांसफर कर देंगे। हम इसमें अब ये रख देंगे, मुझे लग रहा है ये ज्यादा भर गया है, देखते हैं क्या होता है। इसको हम ढक देंगे हम। सो फ्रेंड्स, मैंने चढ़ा तो दिया है ढोकला, पर मुझे लग रहा है प्लेट में कुछ ज्यादा हो गया है, तो देखते हैं ज्यादा बाहर ना निकल जाए। सो लेट्स सी कैसा बनता है। इस घर में फर्स्ट टाइम मैं ढोकला बना रही हूँ, इसका टाइटल भी यही होगा, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम इस घर में ट्राई किया कुछ नया। देखा, मैंने ढोकले में भी नाइफ कढ़ाया, तो नाइफ बिल्कुल क्लीन निकल के आया, तो उसका मतलब है वो पक चुका है। और फिर उसके बाद मैंने उसका तड़का भी रेडी कर दिया। तड़के में मैंने डाला है राई, सरसों का तेल डाला है पहले तो, फिर उसमें राई और हरी मिर्च काट के डाली हैं, 5-6 बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाली हैं। फिर मैंने उसमें नींबू का रस डाल दिया था, 1.5 नींबू डाला मैंने, अच्छा रसा था उसमें, 1.5 नींबू का रस था वो। फिर उसमें डाल दिया मैंने शक्कर, 3 चम्मच के करीब मैंने शक्कर डाला। फिर 1 गिलास के करीब पानी डाला है, और नमक भी, क्या कहते हैं, मैंने अपने अंदाजे से ऐसे ही डाल दिया। मतलब आपको जो टेस्ट करके देखना है ना पानी, तो बिल्कुल एकदम बैलेंस होना चाहिए हर चीज़, एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा खट्टा, ना ज़्यादा मीठा, ना ज़्यादा तीखा, ना ज़्यादा नमक, मतलब ऐसे होना चाहिए, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब ये पानी भी ठंडा हो जाए थोड़ा सा, फिर ये ढोकला भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं क्या कहते हैं ढोकला निकालूंगी और ये पानी डालूंगी। तब तक मेरी बन चुकी है चाय, और तब तक मिलूंगी चाय की चुस्कियाँ, फिर उसके बाद मैं ढोकला निकालूंगी। तो मैं जाती हूँ अभी, चाय एंजॉय करती हूँ अपनी, मेरी चाय भी बन चुकी है जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। थोड़ा सा किचन मैस हो रहा है, ये देखिए, किचन मैस हो रहा है थोड़ा सा, तो आप इग्नोर करना, अभी मैं क्लीन करूँगी उसको। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो फ्रेंड्स, आज है मैंने लास्ट ब्लॉग जो शूट किया था, ढोकला बनाया था मैंने, वो शूट किया था ट्यूसडे को। आज है थर्सडे, मैं आज आप सभी से बात कर रही हूँ। कल मैंने पूरे दिन कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि कल मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, परसों रात से ही। मैं उसके बाद जब आपको लास्ट मैंने शायद ढोकला दिखाया था, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। इवन खाना तक मैंने बाहर से मंगाना पड़ा, इतना ज़्यादा बैक में पेन था मेरे, तो इस वजह से। और फिर कल भी मेरे मॉर्निंग में बैक में पेन था, और फिर इवनिंग में मैं चली गई थी लाइव, आप सभी से कुछ बातें किया, बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करने में। सो वो किया, फिर मैंने कल कोई ब्लॉग ही नहीं किया था। फिर उसके बाद आप सभी से मतलब ब्लॉग भी एंड नहीं किया था। सो मैंने सोचा अभी मुझे ब्लॉग एंड करना चाहिए, और मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड, मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई थी, DIY वगैरह किए थे, सो वो मुझे भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सृष्टि जी, सृष्टि आनंद करके है उनका। उन्होंने एक तो ये नान बनाई थी, तो नान की एक पिक्चर मुझे भेजी थी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, और ये बनाया था बहुत ही यम्मी, दीपावली पे बनाया था तब उन्होंने ये भेजा था मुझे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, और ये भी कोई डिश का नाम बताया था उन्होंने, वो भेजा है। और एक उन्होंने ये DIY बनाया है, वो भेजा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी चीज़ें भेजी हैं। ये डोसा बनाया था एक दिन, तो वो भी एक उन्होंने ये बनाया था बर्ड हाउस, तो उसकी भी पिक्चर मुझे भेजी थी। ये देखिए, सो बहुत अच्छा लगता है। अगर ये चाट बनाई थी को तो ये भेजा था, ये घावना बनाया था उसकी भी पिक्चर भेजा। तो इस तरह से वो मुझे भेजती रहती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है। सृष्टि जी थैंक यू, आप मुझे अपनी फ्रेंड मानते हो और मुझे पिक्स भेजते हो, और इधर मैं वो आप दिखाई नहीं दे रहे हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ आओ विज़िट करो। और थैंक यू सो मच मुझे मेरे साथ ये सब चीज़ें शेयर करने के लिए। और मेरे पास जो कमेंट्स आए थे वो भी मैं आज रीड करती हूँ। सो हाउ आई वॉश क्लोथ इन सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन में, अभी एक कमेंट आया है 2 घंटे पहले ही। तुम्हारी वॉइस सुला देगी मुझे, फिरोज़ वारा जी ने लिखा है। सो फिरोज़ जी, एक्चुअल में क्या था, उस टाइम में मेरी वॉशिंग मशीन जो थी मेरी बालकनी में रखी हुई थी, मैंने आपको कमेंट भी किया है बैक, तो इस चक्कर में आपको लग रहा होगा ऐसा। और ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे जो नेबर हैं उनकी भी बालकनी मेरे से मतलब एक दीवार का ही फर्क था, तो अच्छा नहीं लगता है कि चिल्ला चिल्ला कर मतलब तेज़ आवाज़ में बोलो, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो आवाज़ और ऐसा मतलब समझ सकते हैं आप। और विहान की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें विहान ने कुछ चीज़ों की, एक तो नेशनल जो सिंबल्स होते हैं उनके बताया था, और सेकंड कुछ कैपिटल्स बताई थी, और ग्रुप ऑफ एनिमल्स बताया था। तो उसमें दिखा है यार विहान आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। सो शीला जावेद जी ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच शीला जी।
कुछ बातें करनी है आपसे। कल जो लाइव में बात किया था तो एक फ्रेंड ने मुझे पंजाबी में कुछ बोला था। आई थिंक अनप्रीत जी ने, क्या मुझे सही से नाम में भी याद नहीं है, उन्होंने बोला था तो मैंने उसका रिप्लाई थोड़ा सा पंजाबी बोल दिया था। तो क्या कहते हैं, मतलब एक वर्ड ही बोला था जो उसमें इंक्लूड था। तो वो पंजाबी अच्छी लगी जो आपने थोड़ा सा बोला। शीला जी लिखती हैं, थैंक यू सो मच शीला जी। कोशिश करती हूँ, पर मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती हिंदी और इंग्लिश के अलावा। सो मॉम डेली लाइव व्लॉग लिखा है क्यूट विहान, थैंक यू सो मच मॉम डेली लाइव। और एक ये रूपायन सिन्हा जी का मैसेज आया है, आंटी लव योर ब्लॉग्स एंड माय सिस आल्सो लव योर ब्लॉग एंड विहान इज सो क्यूट, थैंक यू सो मच रूपायन जी। और जो विहान वाला मैंने वीडियो डाला है उसमें शुरवीन सूरी ने लिखा है इंटेलिजेंट विहान, थैंक यू सो मच इंटेलिजेंट विहू, थैंक यू सो मच शुरवीन सूरी जी। सो यही कुछ कमेंट्स थे सो मैंने रीड किए आज। पता नहीं ये ब्लॉग कितना लंबा होगा कितना छोटा होगा बहुत, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक भी किया करो, हम इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, कि एक लाइक करते हो तो अच्छा लगता है, अच्छी वाला फील आता है। और कमेंट करके अपने जो फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। ये सेगमेंट आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।